Good day, children. Now we learn chapter 12, The Little Red Hen, from your English one book. Characters. इसमें कौन कौन character है? Narrator, Little Red Hen, Goat, Duck, Cat. Narrator जो इस कहानी को बोल रहा है, और Little Red Hen है, Goat, Duck और Cat है. Narrator. Once upon a time, a goat, a duck, a cat and a little red hen all lived together in cozy little farmhouse on a pretty green hill. बहुत दिन पहले एक बकरी, एक बतख, एक बिल्ली और एक little red hen, छोटा या बच्चा भी बोल सकते हो, रेड हेन रहता था. एक साथ एक फार्म हाउस में, बहुत ही कंफर्टेबल फार्म हाउस में, ऑन अ प्रिटी ग्रीन हिल, एक हरा पहाड़ी इलाके में. ऑल डे लॉन्ग द डक स्वम हैप्पीली इन द लिटिल पॉन्ड. वो जो बतख थे सारा दिन पानी में तैरते थे. द गोट ग्रेज्ड इन द फील्ड. बकरियाँ घास चरती थी. एंड द कैट स्लेप्ट हैप्पीली इन द सन. और कैट या बिल्ली सारा दिन धूप में सोते थे. द लिटिल रेड हेन ऑल द वर्क इन द हाउस बाय हरसेल्फ. वो लिटिल रेड हेन ही घर का सारा काम करता था. वन डे एज द लिटिल रेड हेन वॉज स्क्रैचिंग अबाउट इन द यर्ड लुकिंग फॉर अ नाइस बिटल फॉर हर डिनर. एक दिन लिटिल रेड हेन वो जमीन को खोद रहा था फॉर अच्छे बिटल या कीड़े के लिए जो रात का उसका खाना बने. शी फाउंड अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ व्हीट. उसे कुछ गेहूं के दाने दिखे. इट गेव हर एन आइडिया. उसे देख के उसको एक आइडिया आया. लिटिल रेड हेन हु विल प्लांट दिस ग्रेन्स ऑफ व्हीट. लिटिल रेड हेन ने पूछा कि इस गेहूं के दाने को कौन प्लांट करेगा या इसको बोएगा. गोट नॉट आई, डक नॉट आई, कैट नॉट आई. गोट, डक और कैट तीनों ने ना बोल दिया कि हम लोग नहीं करेंगे. नैरेटर. सो द लिटिल रेड हेन प्लांटेड द ग्रेन्स ऑफ व्हीट ऑल बाई हरसेल्फ. तो सबने जब ना कर दिया तो लिटिल रेड हेन खुद ही उस गेहूँ के दाने को बोया. सुन दे स्प्राउटेड. कुछ ही दिनों बाद वो स्प्राउट होने लगा, मतलब स्टार्टेड टू ग्रो. वो ग्रो होने लगा. द लिटिल प्लांट्स ग्रू एंड ग्रू. वो धीरे धीरे बड़े होने लगे पौधा. अंटिल दे वेर टॉल. जब तो वो बड़ा नहीं हुआ, पक्का नहीं, एंड राइप गोल्डन एंड रेडी टू बी कट. जब तक वो बड़े नहीं हुए, उसको पका नहीं और गोल्डन कलर नहीं हुआ, रेडी टू बी कट, मतलब काटने के लिए बड़ा नहीं हुआ, तब तक वो बढ़ता गया. लिटिल रेड हेन हु विल कट द व्हीट. लिटिल रेड हेन ने फिर से पूछा इस व्हीट को कौन काटेगा. गोट नॉट आई. गोट ने कहा मैं नहीं. डक नॉट आई. बतख ने भी कहा मैं नहीं. कैट बिल्ली ने भी कहा मैं नहीं. नॉट आई. नैरेटर. सो द लिटिल रेड हेन कट द व्हीट बाई ऑल बाई हरसेल्फ. फिर वो लिटिल रेड हेन ही पूरे व्हीट के व्हीट को खुद ही काटा. नाउ इट वॉज रेडी टू बी ग्राउंड इन टू फ्लोर. अब वो पीसने के लिए तैयार हो गया. लिटिल रेड हेन हु विल टेक द व्हीट टू बी मिल. रेड ने फिर से पूछा इसको मिल तक कौन पहुंचाएगा. गोट डक. गोट नॉट आई. डक नॉट आई. कैट नॉट आई. गोट डक एंड कैट ने सबने मना कर दिया कि हम लोग नहीं करेंगे. लिटिल रेड हेन देन आई विल. लिटिल रेड हेन ने बोला ठीक है तब नहीं करता हूँ. नैरेटर. द लिटिल रेड हेन वेंट टू द मिल विद द व्हीट. लिटिल रेड हेन ऑल बाई हरसेल्फ सभी गेहूँ के दाने को वो खुद मिल तक लेके गए. व्हेन द
closet and came back with a little snack of fine flour, sack of fine flour. और उसको मिल तक लेके गया और उसे आटा बना के पीस के बस्ता में भर के लेके आया. लिटिल रेड हैन, हु विल मेक द फ्लोर इन टू द ब्रेड. लिटिल रेड हैन ने फिर से पूछा, अब इसको ब्रेड कौन बनाएगा इस फ्लोर से. गोट नॉट आई, डक नॉट आई, कैट नॉट आई. गोट कैट और कैट और डक ने तीनों ने कहा कि हम लोग नहीं. लिटिल रेड हैन, देन आई विल डू इट माई सेल्फ, तभी मैं ही कर लेता हूँ, लिटिल रेड हैन ने कहा. नैरेटर, सो द लिटिल रेड हैन बेक द ब्रेड बाई ऑल सेल्फ. लिटिल रेड हैन ने उस ब्रेड को बनाया. वेन द ब्रेड वॉज बेक, जब वो ब्रेड बेक हो गया, द लिटिल रेड हैन टुक इट फ्रॉम द ओवन, उसने उसको ओवन में निकाला. इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रस्टी ब्राउन लोफ शी हैड एवर सीन. वो बहुत अच्छा एक ब्राउन लोफ होके निकला, वो जैसे वो कभी नहीं देखा. लिटिल रेड हैन, हु विल ईट द ब्रेड, उसने पूछा, अभी ब्रेड कौन खाएगा. गोट आई विल, डक आई विल, कैट आई विल. गोट, कैट और डक तीनों ने बोला मैं खाऊंगा. लिटिल रेड हैन, ओह नो यू वॉन्ट. लिटिल रेड हैन ने तब कहा, नहीं तुम लोग नहीं खाओगे. आई फाउंड ग्रेन्स ऑफ व्हीट, मैंने ही इस व्हीट के दाने को खोजे. प्लांटेड देम, मैंने ही इसको बोया. आई कट द राइप ग्रेन, मैं ही पके हुए दाने को मैंने काटा. आई टुक इट टू द मिल, मैंने ही मिल तक पहुंचाया. आई बेक द ब्रेड, मैंने ही ब्रेड को बनाया. सो आई शैल ईट इट ऑल बाय माय सेल्फ, तो इस पूरे ब्रेड को मैं ही खाऊंगा. नैरेटर, एंड शी डिड, और उसने ऐसे ही किया.